कि हमने अभी स्वर्ग देखा है चार्ली में, वो हेवन मूवी है, तो मूवी नहीं इमोशन है। तो कि अभिमन्यु हो या जानवी हो या सारा हो या जो भी हो, ऐसा लगता है कि वो लोग फिल्मों में इसलिए है क्योंकि उनका कोई कनेक्शन है। आपने स्टारिंग अभिमन्यु दसानी एंड शर्ली सेठिया, शिल्पा शेट्टी भी है, काफी टाइम बाद आई है, कैसे लगी आपको? एक्चुअली क्या है ना कि चार्ली वगैरह देखने के बाद ना ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे फिल्मों का ज़माना चला गया, अभी ऐसे फिल्में मत निकालो, क्योंकि क्या है कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड ऑफ मनी। ये सब बहुत आउटडेटेड लग रहा है, बहुत आउटडेटेड। मतलब ऐसे आप देखो, ये फिल्म एवरीबडी नोज कि इट्स अ रीमेक ऑफ MCA, ऑफ नानी की फिल्म है, यूट्यूब पे है, तो फिर से ये कौन देखेगा? और एकदम ऐसे पता है क्या, एकदम ऐसे एवरेज से बिलो एवरेज फिल्म लग रही है, बहुत बिलो। एंड प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि हमने अभी स्वर्ग देखा है चार्ली में, वो हेवन मूवी है, तो मूवी नहीं इमोशन है। तो अभी इस सब, अभी विक्रम आया, कितना डिफरेंट है, तो इस सब में ये बहुत आउटडेटेड, किससे तो ज़माने की मूवी लग रही है, ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, जम नहीं रहा है। अरे कुछ नहीं है फिल्म में, आप देखो, अगर आपने 10 साल पहले वाली मूवी कोई तेलुगु की, वो ये वैसे भी मतलब रीमेक, मतलब क्या है कि इट्स अ सोफिस्टिकेटेड वर्ड फॉर कॉपी, यू नो, करेक्ट। तो अभी ये यूट्यूब पे ऑलरेडी नानी की फिल्म है, ऐसे फिल्में अभी हम लोग बहुत देख चुके हैं, तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट आ नहीं रहा है अभी। अभी यू नो हमारा माइंड विक्रम में है या फिर चार्ली में, तो इसमें तो मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। आउटडेटेड लगा आपको? बहुत आउटडेटेड है, बहुत आउटडेटेड है, इट्स अ वेरी बिलो एवरेज एंड वेरी आउटडेटेड काइंड ऑफ फिल्म। परफॉर्मेंस कैसा लगा अभिमन्यु दसानी का शर्ली सेठिया? शर्ली का डेब्यू हुआ है बॉलीवुड में। सी शर्ली इज़ वेरी शॉर्ट हाइटेड एंड बिकॉज अभिमन्यु को मतलब के साथ कोई तो पेयरिंग होनी चाहिए थी शायद, इसलिए उसको लिया, बिकॉज शी इज़ क्वाइट शॉर्ट एंड शी इज़ नॉट, शी इज़ क्यूट, बट ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक सादा सुधा एक ऐसा है। एंड अभिमन्यु भी, प्रॉब्लम क्या है ना कि अभिमन्यु हो या जानवी हो या सारा हो या जो भी हो, ऐसा लगता है कि वो लोग फिल्मों में इसलिए है क्योंकि उनका कोई कनेक्शन है। It's not because you know they have, he has done a sincere job, I'm telling you, he is very sincere, वो 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या है कि अभी वो ज़माना नहीं रहा कि आप सिक्स पैक करोगे, बहुत डांस सीखोगे और आप आ जाओगे और आप स्टार बन जाओगे, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको सब्जेक्ट्स जाए, एक तो आप एकदम विक्रम करो, नहीं तो आप एकदम चार्ली करो, ये बीच के माल नहीं, बीच वाली चीज़ नहीं चलने वाली। एंड ये फॉर्मूला जो है ना, सिक्स पैक बनाओ, डांस करो, गाने करो, फाइट करो, ये अभी बस हो गया है, वो अभी चलेगी नहीं आगे, करते रहोगे तो ऐसे ही ऑडियंस वगैरह जैसे अभी नहीं है ना थिएटर में, वैसे ही चलती रहेगी। आप फिल्म करोगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शिल्पा शेट्टी बहुत टाइम बाद बड़े पर्दे पे दिखी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी मतलब बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रोवर्सी राज कुंद्रा ये कुछ काम करने के लिए निकली है, ऐसा लग रहा है, बट बाकी कुछ है नहीं। मतलब अभी वो संभाल संभाल के चल रही है कि कुछ काम टिके रहे, कहीं कहीं दिखे, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है, कुछ है नहीं। भाभी का रोल किया है, पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है, लेकिन ठीक है, अभी फिल्म में ही दम नहीं तो क्या करेगा। चलिए, आउट ऑफ 5 निकम्मा जो आज रिलीज हुई, कितने स्टार में? डोंट मेक सच मूवीज, डोंट मेक, वी डोंट वॉन्ट टू सी। शब्बीर खान का जो हीरोपंती वगैरह है, हीरोपंती बागी 1 इतने हिट दिए, तो तभी उसका ज़माना था, तभी ऐसे कमर्शियली बहुत ऐसे हैमर करने वाली चीज़। चलो उसमें फिर भी टाइगर था, इसमें तो टाइगर को अभी उतना उछल कूद तो ये नहीं कर सकता, और किया तो भी अभी वो ज़माना नहीं है ना। ओके, एकदम इम्पोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, अभिमन्यु बॉलीवुड में चलेगा कि नहीं चलेगा? बॉलीवुड ही नहीं चल रही है ना, बॉलीवुड कहाँ चल रही है कि आप अभिमन्यु को चलाओगे? कौन चल रहा है बॉलीवुड में? बॉलीवुड में चल ही कौन रहा है कि आप अभिमन्यु को चलाओ? यहाँ पे बड़े बड़े बैठे हुए हैं खाली हाथ, तो आप अभिमन्यु को क्या चलाएंगे? ऐसा है। थैंक यू फॉर ऑनेस्टी।